नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल पे। पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन सभी चीज़ की जानकारियां हमारे इस चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहरीन कंट्री में जो भी आने वाले हैं वो बहरीन कंट्री का जो सिम है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि सिम के साथ में यहाँ पर भी कैसे कैसे मतलब कि धोखाधड़ी होता है, कैसे कैसे आपको मतलब कि लूटा जा रहा है। तो आप लोग सावधान रहे और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी एयरपोर्ट पे बहरीन एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिम दिया जाता है, चाहे वो सिम यहाँ पे जो सिम चलता है वो चार चलता है, एक जैन हो गया, बेटेलको हो गया, एसटीसी हो गया, बीवा हो गया, ये चार सिम चलता है। आपको एयरपोर्ट पे कोई भी इसमें से एक भी सिम मिल सकता है। उसमें आपको एक हफ्ते का इंटरनेट फ्री होता है और यहाँ का जो करेंसी है 1 BD, आपको 1 BD का रिचार्ज मिलेगा। तो वो एक हफ्ते चलाने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी सिम लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपको फ्री में सिम दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ से फ्री में सिम ले लीजिए, आप हमारे यहाँ से फ्री में सिम ले लीजिए। तो ऐसा कतई ना करें। और आप जब भी सिम लेने जाएंगे फ्री वाला तो पहले आप चेक कर ले कि वो पोस्ट पेड है कि प्रीपेड है। आपको मैं इसमें दोनों में अंतर बताता हूँ कि पोस्ट पेड में और प्रीपेड में अंतर क्या होता है। दोस्तों, प्रीपेड सिम में ये होता है कि आप लोग को हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा और पोस्ट पेड में मैसेज द्वारा आपको बिल आएगा। तो बिल आएगा वो आपका जो है नेट उसमें कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो बस सिर्फ बिल आता है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि प्रीपेड का सिम ले लें और उसमें आप रिचार्ज ही ना करवाएं और उसमें हर महीने में बिल आता रहेगा। बाद में क्या होता है कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे एयरपोर्ट पे अपने इंडिया जाने के लिए, तो एयरपोर्ट पे ही जितना पैसा बना रहता है वो सारा पैसा आपका वो चुकता करना पड़ता है, तभी यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में बताया बहरीन में जो भी सिम चल रही है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और जो भी फ्री में सिम मिलती हो वो चीज़ पर ध्यान दें कि प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।